होपी की सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग नो इमोशंस के जो एमसीक्यूज है इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं अभी, और इस चैप्टर को और एक लेक्चर आएगा और ये चैप्टर क्लोज करके मैं स्टेशनरी व्यूज इसके ऊपर जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे गिवन डेटा लिख के लिखा है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है पूरा गिवन डेटा। ओके तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस का पूरा के पूरा गिवन डेटा मैंने यहाँ पे लिख के रखा है और इसी गिवन डेटा के ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके बहुत इजी इजी क्वेश्चन, इतने हार्ड एंड फास्ट एग्जाम्पल नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों को खाली यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं कैसे नहीं, इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो इक्वेशंस है वो इक्वेशंस बनानी है, ठीक है, मतलब एक इक्वेशन है ये इक्वेशन के थ्रू बनाना है, गिवन डेटा दिया है। मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, देखो अ वेव इज द स्ट्रिंग हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर दिया, 2 × 10⁻², इसको हम लोग और कर सकते हैं 0.02 लिख सकते हैं मीटर में लिखना है तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस विद द स्पीड ऑफ दी वैल्यू 128 मीटर पर सेकंड एंड इट इज नोटेड दैट 5 कंप्लीट वेव्स। ओके 5 कंप्लीट वेव्स किए, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5 5 कंप्लीट किए, तब उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 4 मीटर है, मतलब ऐसे एक को हम वेवलेंथ बोलते पता है ना, तो ऐसे वेवलेंथ कितने आ रहे हैं 5 वेवलेंथ आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 5, देखो ये 4 और ये 5 पता है ना, तो 5 वेवलेंथ की जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 4 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग द इक्वेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेव्स, तो इसकी वेव का जो इक्वेशन है बच्चों ये हम लोगों को यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा, ए तो निकल गया 0.02, ओमेगा क्या होता है तो 2 π n होता है, होता है कि नहीं है, तो हम लोग पहले फ्रिक्वेंसी निकालेंगे n निकालने के लिए, क्योंकि ओमेगा के लिए फार्मूला है 2 π n, लेकिन n पता नहीं है, n होता है v बाय लैम्बडा, पता है रिलेशन बिटवीन v इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा, v 128 और वेवलेंथ जो है वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी यहाँ पे वो 5 λ/4, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 4/5, तो लैम्बडा इज इक्वल टू अब 48 मीटर, तो 0.8 मीटर, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग डिवाइड करके जो आंसर निकाल रहे स्टूडेंट देखो यहाँ पे 128 जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पे एडा हो रहा है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई टेंशन तो नहीं आ रही है, ये पॉइंट शिफ्ट क्या मतलब ऊपर जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 8 × 1 = 4, 8 × 6 = 48 जीरो एज इट इज हर्ट्ज। मुझे यहां पे एक्चुअल में ओमेगा निकालना था तो 2 π n, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करूंगा मैं 3.14, n की वैल्यू 160, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, बहुत इजी इजी कैलकुलेशन से इसके कैलकुलेशन मिलेंगे हमको 1005 rads/s, ये ओमेगा मिल रहा है, मिल गया यहाँ पे ओमेगा कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन है मल्टीप्लिकेशन है, चलो ओमेगा की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट, के की वैल्यू क्या होगी, के हमारे पास के भी निकालना है, तो के निकालने के लिए हमारे पास 2 π/λ है, तो 2 π की वैल्यू 3.14 और लैम्बडा की है यहाँ पे 0.8 × 10⁻¹ कर रहा हूं, तो ये हो गए 4 मतलब 31.4/4, क्यों बच्चों समझ में आ रहा है, देखो 2 × 1 = 2, 4 = 8 मतलब 1/4, अब ये 10⁻¹ ऊपर जाने के बाद 10⁻+1 मतलब 3.14 से 10 से मल्टीप्लाई करो तो 31.4 मिल रहा है, तो k इज इक्वल टू मिल रहा है स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना आपको यहाँ पे 7 करेक्ट है 3 बाकी 34 मतलब 8 ऐसा आंसर मिल रहा है मुझे यहाँ पे। ओके 8 and then 5 ओके तो यहाँ पे पर मीटर क्योंकि लैम्बडा डिवाइडेड, चलो इस इक्वेशन को मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, दिखाई तो दे रहा है कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है, चलो वाई का इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे
y इज इक्वल टू, a की वैल्यू बता दो 0.02 साइन, ओके। यहां पे ओमेगा की वैल्यू बताना है मुझे, ओमेगा की वैल्यू मुझे मिल रही है ये, तो 1005 टी माइनस के, के की वैल्यू है 7.85 इंटू यक्स, ये मुझे यहां पे इक्वेशन मिल रहा है, मतलब ऑप्शन में इक्वेशन दिया है तो यही ऑप्शन का इक्वेशन जो है करेक्ट है। समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ये इक्वेशन आपको दिखाई देता होगा, तो यहां लिख रहा हूं 0.02 साइन 1005 टी माइनस 7.85 यक्स, ये इक्वेशन मेरे पास है स्टूडेंट। ओके, और कोई डाउट तो नहीं है हम लोगों को? चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट, यहां पे क्वेश्चन में टू साउंड वेव, द वेवलेंथ दी वाली है पहले की 5 मीटर एंड सेकंड की जो है 5.5 मीटर रेस्पेक्टिवली, ईच प्रोपेगेट इन द गैस विद वेलोसिटी है कॉन्स्टेंट 330 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन है वी एक्सपेक्ट द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ बीट पर सेकंड, मुझे बता दो स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था यन वन इज ग्रेटर देन यन टू रहा तो यन वन माइनस यन टू लिखते हैं, यन वन इज लेस देन यन टू रहा तो यन टू माइनस यन वन लिखते हैं, बराबर है? लेकिन लैम्बडा का, अब मुझे बताओ लैम्बडा वन इज लेस देन लैम्बडा टू है, तो मैंने बताया जो फ्रीक्वेंसी का उल्टा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा यहां पे उल्टा। अब ये और फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू यन लैम्बडा तो यन इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा उल्टा ही गई इससे, तो ये कंडीशन नहीं लागू होगी, ये कंडीशन लागू होगी ये और ये, मतलब यहां पे यन वन माइनस एन टू, इसलिए मैंने ये फाइंड करना है ऐसा बताया आपको, यहां पे गिवन डेटा के थ्रू बताया मैंने कि नंबर ऑफ बिट यन वन माइनस एन टू ये फाइंड करना है हम लोगों को, ये इंपॉर्टेंस है यहां पे। तो हम यन वन की वैल्यू निकालेंगे, यन वन इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा वन, वेलोसिटी तो गैस के अंदर कांस्टेंट है वो 330 दी वाली, 330 लैम्बडा 1 है मेरे पास 5, तो यहां पे सॉरी n1 इज इक्वल टू बता देना है यहां पे 6 जा, ओके 33 बाकी 30 6 जा हर्ट्ज मिल रही n1। n2 क्या है तो v बाय लैम्बडा 2, v है मेरे पास 330 और लैम्बडा है 5.5, तो n2 इज इक्वल टू मेरे ख्याल से यहां पे ये जो है बच्चों यहां पे मिल रहा है मुझे 60 है ना, हार्ट डिवीजन आता है ना आप लोगों को, कैसे ये पॉइंट हटा दो तो यहां जीरो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं, तो हम 3 0 0 5, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, 11 3 33 11 5 जा तो 5 6 30 और ये जीरो, तो ये मिल रहा है मुझे यहां पे, ये निकलना है नंबर ऑफ बिट, तो n1 है मेरे पास यहां पे 66 है ना, माइनस n1 है 60 तो यहां पे 6, मतलब n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 6, इतनी नंबर्स ऑफ बिट मिल रही, नंबर्स ऑफ बिट फ्रीक्वेंसी इतनी है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट मेरे पास यहां पे जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखा है मैंने, व्हेन द टू साउंड वेव्स इन फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, फेज डिफरेंस क्या है यहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट क्या मिल रहा है ये बताना है हम लोगों को। आप लोगों को एक फार्मूला पता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ओनली निकाल रहे जा रहे हैं, तो ये फार्मूला था हमारे पास क्या, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस अल्फा, या यहां पे लिखा है मैंने फाइव तो फाइव लिखो, कॉस फाइव की वैल्यू क्या है पाई बाय टू, कॉस फाइव बाय टू मतलब बता दो यहां पे जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो रही है कि मल्टीप्लाई जीरो, ट्वाइस ए वन ए टू मल्टीप्लाई जीरो जीरो हो रहा है, मतलब मेरे पास यहां पे मिल रहा है ए स्क्वायर और एम्पलीट्यूड सेम है, ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए लिखेंगे हम लोग, ओके तो ए इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्वाइस ए स्क्वायर, इसका मतलब बच्चों यहां पे रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो ए रूट ऑफ 2, इतना एम्पलीट्यूड मिल रहा है स्टूडेंट। कोई डाउट है? बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है इस पे,
जैसे कि आपको जो भी लगता है तो मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हो, और मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया स्टूडेंट आप लोगों को, अगर कोई दिक्कत आती तो मुझे बता सकते हो भी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे पास स्टूडेंट, क्वेश्चन है मेरे पास यहां पे देख लेना आप लोगों को, टू व्यो ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर प्रोड्यूस 12 बीट पर सेकंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड। यहां पे मेरा जो सवाल है स्टूडेंट वो है वेलोसिटी ऑफ साउंड। बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता होगा कि सर ये कैसे लेते हैं आप लोग, n1 माइनस n2 लिखना है कि n2 माइनस n1, तो मैंने आपको बता दिया वेवलेंथ से डिसाइड करता हूं। मुझे बता दो सही में लैम्डा 1 ग्रेटर या लैम्डा 2, तो आप बोलेंगे सर लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1, तो मैंने आपको बताया n1 माइनस n2 और इस पे n1 इज ग्रेटर देन n2 रहा तो ये लिखते आप लैम्डा का उल्टा, यहां पे n1 ग्रेटर है यहां पे लैम्डा 2 ग्रेटर है। अगर ये होता लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2 तो यहां पे बच्चों n2 माइनस n1 लिखते थे हम। यदि n2 इज ग्रेटर देन n1 मतलब n के फॉर्म में ये लैम्डा के ऐसे लिखना पड़ेगा उल्टा, मतलब n1 ग्रेटर है तो इधर लैम्डा 2 ग्रेटर हुआ तो ये लिख सकते हैं। तो इससे हम डिसाइड करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को गिवन डेटा में प्रॉब्लम आ जाती है कि सर गिवन डेटा कैसे याद करते हैं क्या? नहीं नहीं याद नहीं करता हूं कुछ नहीं, देख के भी नहीं लिखता हूं, लॉजिकली क्वेश्चन है यार। ओके तो वेलोसिटी निकालना है हम लोगों को अभी, तो यहां पे हमने रखा है n1 माइनस n2, n की वैल्यू बताता हूं, v इज इक्वल टू n लैम्डा, तो n इज इक्वल टू v लैम्डा, वेलोसिटी तो सेम है क्योंकि वेलोसिटी निकालना है क्योंकि गैस एक ही है, तो v बाय लैम्डा 1 माइनस v बाय लैम्डा 2 की, देखो n1 की वैल्यू n2 की, तो n1 माइनस n2 v को कॉमन 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2। ये डायरेक्ट फार्मूला भी बता सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी बना सकते हैं, अगर यही फार्मूला n2 ग्रेटर रहता तो n2 माइनस n1 v 1 बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, समझ में आ रहा है ना आपको? मतलब वो आप लोगों को गिवन डेटा कैसे दिया उसके ऊपर फार्मूला बनाना आना चाहिए, बस यहाँ पे n1 ग्रेटर है ये टाइम पे इसलिए ये फार्मूला, n2 ग्रेटर रहा तो ये फार्मूला, तो इसके लिए मेरे पास 12 है v as it is, 1 by lambda 1 है मेरे पास स्टूडेंट, lambda 1 0.5 है और ये 0.51 है ना, 0. देखो स्टूडेंट यहां पे 50 है, हाँ ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो v इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय 0.5 माइनस 1 बाय 0.51। थोड़ा लेंथी बना रहा हूं मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए इसलिए बना रहा हूं। एक्चुअल में हम लोग ऐसे नहीं, इसको शॉर्टकट में भी मार सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते ना, यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ये करो कर सकते। तो v इज इक्वल टू स्टूडेंट 12, इसको कर रहा हूं मैं 0.51 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.51 मल्टीप्लाई 0.5, समझ में आ रहा है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.51 माइनस 0.5 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो v इज इक्वल टू 12, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 0.01, समझ में आ रहा है 0. है ना, क्योंकि यहाँ पे ये 50 है और ये 51 है तो 0.01, इसको ऊपर लेके डिवाइड का डिवाइड ऊपर लेके जाओ 0.51 मल्टीप्लाई 0.5, तो बच्चों यहाँ पे v इज इक्वल टू 0.5 को हम 1 बाय 2 भी मान सकते हैं, मतलब 12 0.51 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय इसको 10 to -2 1 2, तो ये हो गए 6 आ, तो v इज इक्वल टू 6 0.51 माइनस 2 का हो गया प्लस, है ना, तो v इज इक्वल टू 6 51, समझ में आ रहा है आप लोगों को? 10 to +2 है तो इसलिए 1 2 से शिफ्ट कर दिया, तो वेलोसिटी मिल रही है स्टूडेंट मुझे 6 1 6 6 5 30 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे अगर ये बीट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये हो तो वहां पे हमारी जो वेलोसिटी है वो 306 इतनी होना चाहिए थी, कितने इतने, ठीक है समझ में आ रहा है? मतलब साउंड की जो वेलोसिटी मैं जो बात कर रहा हूं उसकी जो वेलोसिटी है वो 306 मीटर प्रति सेकंड है, समझ में आ रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन थे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है स्टूडेंट यहां पे डिस्प्लेसमेंट
ऑफ इंटरफेरिंग लाइट वेव्स आर y1 इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव्स, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा. तो हम लोगों ने अभी जैसे फार्मूला देखा था, याद होगा आप लोगों ने फार्मूला देखा है, यहां पे बताओ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस फाइव. अब मुझे फाइव की वैल्यू पता है, इसको ये इक्वेशन लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी, इसको ए वन बोल रहे हैं तो ए वन बोले तो हमारे पास मिल रहा है 4. ए टू इसको भी लिख सकते हैं वाई टू इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहां पे देखना स्टूडेंट, ए वन और ए टू मिल रहा है मेरे ख्याल से 3, तो पुटअप कर रहा हूं मैं यहां पे, देख लेना है ए वन की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कॉस 90 होता है 0, तो 0 तो ये पूरा 0. तो a इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 इसका 9 तो हो रहा है रूट में 25, तो a इज इक्वल टू 5. अगर मीटर में, एक मिनट में बता दूंगा आपको, मीटर में लिखना है सेंटीमीटर में लिखना है, तो कुछ ऐसा दिया नहीं, डायरेक्ट 5 बोल के आंसर दिया है. तो ये 5 मीटर हो तो मीटर में लिखना है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखना है. चलो स्टूडेंट, आप इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं हमारे, मतलब लगभग 10-15 क्वेश्चन हुए हैं. इसके बाद मैं आपको डॉपलर इफेक्ट किसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, डॉपलर इफेक्ट. आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट निकाल के लेना है ताकि आपको हेल्प होने वाली बाद में. तो डॉपलर इफेक्ट में इज वेरी फेमस इक्वेशन, आप लोगों इसको थ्योरी क्वेश्चन पढ़ना है. मैं जितने भी न्यूमेरिकल बेसिस पे एमसीक्यूज है वही पढ़ा रहा हूं, थ्योरेटिकली तो नहीं पढ़ा रहा हूं. तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वी प्लस माइनस वी ओ डिवाइड बाय वी माइनस प्लस वी एस इंटू यंग, इसी इक्वेशन से हम यहां पे रिलेटिव मोशंस निकाल सकते हैं. साउंड की वेलोसिटी ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो क्या होना चाहिए, तो ऑब्जर्वर रेस्ट है 0, सोर्स रेस्ट पे तो 0. कभी कभी कोई लोग लिसनर बोलेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है. तो ये वेरी फेमस फार्मूला है सबका, है ना, सबका बाप है बोलेंगे है ना, क्योंकि ये इसी इक्वेशन से हमने अलग अलग इक्वेशन, टूवर्ड आ रहे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आगे जा रहे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, कैसे होती है क्या होती है इसके ऊपर डिटेल में, बहुत डिटेल में मैंने डिस्कशन कर चुका हूं. उसके ऊपर मैं मैक्सिमम 10 क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा. तो होप है कि बच्चे सभी क्वेश्चन आपको हेल्प करते होंगे, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई भी करते होंगे. जितना होगा उतना आप लोगों को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना है. अगर आप YouTube पे मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालना है. थैंक यू एंड बेस्ट लक पढ़ाई के लिए आपके.